हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद एहसान। जब आप MBBS के लिए प्लान करते हैं, आपने 12th पास कर ली, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट में आपका स्कोरिंग अच्छा नहीं आता है। मान लीजिए अगर आपका स्कोरिंग अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप विदेश जाएं किसी मेडिकल कॉलेज में स्टडी करने के लिए, या आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कीजिए। अब बात यह है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में जब आप स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ का फ़ी और डोनेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपका सपना चकनाचूर हो जाता है। आपके पेरेंट्स भी हाथ पीछे कर लेते हैं, नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर आप 1 करोड़ का पैकेज आप चूज कीजिए और अपना स्टडी को फर्दर आगे कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने स्टूडेंट को अब्रॉड भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपने स्टूडेंट को बाहर नहीं भेजते। उन्हें पता नहीं होता है एग्जैक्ट कि अब्रॉड में क्या रियली में वैसा सिस्टम है, क्या वहाँ पर रियली में वैसा पढ़ाई होता है जैसे कि वो चाहते हैं, और इंडिया में जिस मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाती है तो क्या रियली में अब्रॉड में भी वैसा है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विच इज़ द बेटर फॉर यू फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBBS, वेदर इट इज़ अब्रॉड और वेदर इट इज़ इंडिया। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स विच दे हैव ड्रीम टू डू MBBS बट दे डोंट डू बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ मनी। ये तीन चीज़ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाला है, क्या इंडिया से बेटर है या इंडिया से कम है या इंडिया के बराबर है। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नंबर वन पॉइंट है इसमें मेरा कि कॉलेज का जो फी है टोटल कितना खर्च आता है अब्रॉड में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या आप इंडिया में ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप नीट का एग्जाम देते हैं और आपका स्कोरिंग जो है बहुत अच्छा आ गया, 500 प्लस आ गया, तो आपको तो एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे आप जाते हैं तो अप्रॉक्स आपका 3 से 4 लाख में टोटल 5 ईयर का ड्यूरेशन आपका MBBS का कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे करने नहीं होते हैं। लेकिन इनकेस अगर आपका रैंक जो है वो 400 से कम है, नीट आपने एग्जाम दिया और 400 से कम है, तो वहीं आपको कैटेगरी बी में डाल दिया जाएगा। आपको वहाँ पे सेमी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसका फी अप्रॉक्स आपको 30 लाख से 40 लाख के रेंज में आएगा। सेम कॉलेज है, सेम पढ़ाई है, सेम ड्यूरेशन है, सेम डिग्री है, लेकिन आपका जो कॉलेज का फीस है वो वेरी करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका रैंक 300 से भी कम आना स्टार्ट हो गया तो उस केस में आपको कैटेगरी सी में डाल दिया जाएगा, तो उस वक्त आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब प्राइवेट कॉलेज इंडिया में जितने भी हैं वो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको डोनेशन देने पड़ेंगे और आपको फीस भी देना पड़ेगा। तो इस ये दोनों मिला करके आपको 80 लाख से 90 लाख के आसपास आपका खर्च आने वाला है। अगर बाय द वे उससे भी कम नंबर आता है और आप अगर कैटेगरी डी में जाते हैं, यानी कि आपका नंबर बहुत ही कम है, तो ना आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ना आपको सेमी प्राइवेट कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ना आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है मैनेजमेंट कोटा। और मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी डी में मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि इसका जो फी और डोनेशन है ये आपको 1 करोड़ पार होने वाला है। आप ये देखिए कि इंडिया के उसी कॉलेज में आप जा रहे हैं जहाँ का एक जगह फीस आपको 3 लाख में हो जा रहा है, एक जगह आपको 1 करोड़ में हो रहा है। वही आपको स्टडी मिलने वाला है, वही सप्लीमेंट मिलने वाला है, वही डिग्री मिलने वाला है, वही एजुकेशन है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है कि आपका फी कितना पे, किसने आपका रैंक है उस हिसाब से आपको वहाँ फी पे करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं या मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, उनके बजट के हिसाब से वो बाहर होता है, तो वो अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं कराते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों एडमिशन कराएंगे, क्यों उसी कॉलेज के लिए आपको 1 करोड़ पे करना पड़ता है और दूसरे स्टूडेंट के लिए वहाँ पे 3 लाख से 4 लाख में एडमिशन पूरा हो जाता है और उनका पूरा ड्यूरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको बेटर है कि आप अब्रॉड में जाइए। अब्रॉड में आप वहाँ पे MBBS आसानी से कर सकते हैं। आपको अब्रॉड में जाने के लिए आपको फी स्ट्रक्चर जो है पूरा टू ड्यूरेशन जो है कॉलेज का वो इतना नहीं है, बहुत कम है आपका। मेन है कि जितना भी मेडिकल कॉलेज हैं चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप रशिया में जा रहे हैं या आप किर्गिस्तान में जा रहे हैं या कजाकिस्तान में जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे उसका फी स्ट्रक्चर होगा और उसका टोटल ड्यूरेशन का खर्च होगा। मान लीजिए कि अगर आप किर्गिस्तान में जा रहे हैं तो किर्गिस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको 18 लाख से 20 लाख में पूरा आपका MBBS का इतने में कम्प्लीट हो जाएगा। कुछ कॉलेज उससे महंगे भी हैं जो कि 25 से 30 लाख भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। ऐसे जैसे कि इंडिया में इतने सारे पैसे लग रहे हैं आपको प्राइवेट कॉलेज में, मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास लग रहे हैं, वही
भी आप एब्रॉड के किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम खर्च में हो जा रहा है, अप्रॉक्स 20 से 25 लाख में आपका पूरा MBBS हो रहा है। जबकि रिसोर्सेस वही है, स्टडी वही है, डिग्री का वैल्यूएशन भी वही है, आपको एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस ये है कि आप इंडिया छोड़ करके किसी और कंट्री में जाकर वहाँ पे स्टडी को अपना पूरा कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे आपको 30 लाख या 20 लाख में पूरा MBBS कंप्लीट हो जा रहा है तो क्यों आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ और 1.25 करोड़ या 2-2 करोड़ के आसपास पैसा खर्च कीजिएगा सेम एजुकेशन और सेम डिग्री के लिए। रहा सवाल आपको एब्रॉड के नाम से मोस्टली पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये घबराते हैं कि वहाँ का जो पढ़ाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं लगभग सेम है। डिपेंड करता है कंट्री के सिचुएशन के ऊपर कि कंट्री अगर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है तो उसके हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस मिलेगा आपको और जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको ओल्ड मिलने वाले हैं। वही अगर बात की जाए किर्गिस्तान का या कस्तान का तो ये एक डेवलपिंग कंट्री था, डेवलपिंग कंट्रीज में उतने ये आपको रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन MBBS के लिए जितने भी चीज आपको प्रोवाइड करना चाहिए या जितने भी चीज आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सब फैसिलिटीज मिलेगा। सेकंड इसमें पॉइंट है कि जो एब्रॉड के किसी भी कॉलेज का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कैसा होता है ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो MBBS एक आसान डिग्री नहीं है। जैसे आप सोचते हैं कि MBBS बस गए और पढ़ के चले हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको पढ़नी होती है, अप्रॉक्स 19 सब्जेक्ट्स आपको इसमें कवर करने होता है, एक ब्रॉड ये कोर्स है और ब्रॉड तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर अब्रॉड में आ रहे हैं MBBS करने के लिए तो उतना आपको पर्टिकुलर नॉलेज नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि टोटल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है चाहे USR का कंट्रीज है जितने भी ये हैं वो सेम पैटर्न ऑफ टीचिंग पढ़ाते हैं। इंडिया के अप्रॉक्स आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत कम होता है तो उसके लिए आपको इंडिया बेटर होगा प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन थ्योरेटिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्स यहाँ पे 90-100% अटेंडेंस लिया जाता है और स्टूडेंट्स मोस्टली 100% अटेंडेंस देते भी हैं। वही अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज इंडिया के बारे में चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो तो आपको 70% अटेंडेंस में आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन भूल करके आप यहाँ पे आ रहे हैं किर्गिस्तान में या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रशिया में तो यहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये देखा जाए तो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होने वाला है और थ्योरेटिकल आपको क्लासेस बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों अगर बैलेंस किया जाए तो दोनों के दोनों बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है एजुकेशन के पैटर्न पे, सिस्टम पे, चाहे उसके नॉलेज पे, क्या वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स आपको कितना कवर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इक्वल ही है। यहाँ तक कि आपका जो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जा रहा है यानी कि एब्रॉड में जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो कंट्री है उसके लॉ के हिसाब से यहाँ पे 12th नहीं होता है, डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा डिग्री में यानी कि ग्रेजुएट कोर्स में चले जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में जितने भी फालतू के सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वो MBBS के ड्यूरेशन में यानी कि ग्रेजुएट के डिग्री में ये लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे आपका डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक उतना बड़ी समस्या नहीं है, समय के साथ साथ आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आसानी से पास हो सकते हैं। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं एब्रॉड में तो एडमिशन लेने में इतनी आपको टेंशन नहीं होती है। एब्रॉड के एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आपको एक एजेंट होना चाहिए, एजेंट के बिना आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो कि एब्रॉड में है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे हैं जिसमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, तो आपको एक एजेंट चाहिए और मेन है कि एजेंट वैसा खोजिए जो कि आपको भरोसे के लायक हो, वो फ्रॉडगिरी नहीं करे, क्या कि मोस्टली स्टूडेंट जब यहाँ से जाते हैं तो उन्हें पहला नंबर कि वो तो उतना नॉलेज होता नहीं है, नया कंट्री में जा रहे हैं, नया एनवायरमेंट में जा रहे हैं, कैसे क्या करना है कुछ पता होता नहीं है, तो उसके लिए आप बेटर है कि तरह तरह के यूट्यूब पर वीडियो पढ़े हैं उसमें देखिए, उसमें ट्रस्ट कीजिए कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और एजेंट से बढ़िया से बात कीजिए। कुछ यहाँ पे मैं आपको हिंट्स दूंगा कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली फ्रॉडबाजी यहीं पे हो जाता है, एजेंट्स आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। अगर कोई एजेंट ये बोल रहा है कि 15 से 20 लाख में आपका टोटल MBBS कंप्लीट हो जा रहा है एब्रॉड में और वो आपसे पूरा पैसे का डिमांड एक बार कर दे रहा है तो प्लीज़ उसे आप ट्रस्ट नहीं कीजिए, उस पर आप मत जाइए, क्योंकि वो आपका पूरा पैसा लेके भाग सकता है। हो सकता है वो दो कारणों की वजह से बोल रहा है, पहला कारण ये हो सकता है कि आपका टोटल पेमेंट ले ले एक बार और वहाँ पे जाकर साल बाय साल यानी कि पर ईयरली बाय ईयरली वो आपका पैसा वहाँ जमा करे और आपको आसानी से आप वहाँ पे स्टडी कर सकें। सेकेंड हो सकता है कि आपका पैसा लेकर के पूरा भाग जाए, एक साल बस जमा करे और सेकेंड ईयर से वो गायब हो जाए। तो
मेडिकल कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं अब्रॉड के लिए, तो पूरा का पूरा पेमेंट, पूरा ड्यूरेशन ऑफ फीस एक साथ कभी मत जमा कीजिए। वहाँ पे हर ईयरली बाय ईयरली जमा होता है कॉलेज फीस, बस आप उसे एडमिशन करने के लिए बोलिए, एडमिशन करवाने के लिए बोलिए, जो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। इंडिया किसी भी कोना में बैठ करके आप आसानी से एडमिशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं उस मेडिकल कॉलेज में। वहाँ के स्टूडेंट से आप बात कीजिए, वो आपको पर्टिकुलर बता सकता है कि एडमिशन हुआ, आप जो भी वो आपको एडमिशन लेटर दे रहा है तो उसकी वजह से आपको एक निष्कर्ष मिल जाएगा, ताकि आप एडमिशन पता चल सके कि सही में हुआ है या नहीं हुआ या फ्रॉडगिरी हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार पैसा नहीं देने के लिए और ईयर बाय ईयर पैसा दीजिए। बस उसके जो चार्जेस हैं, जो उसका एडमिशन का प्रोसेसिंग है या वो कंसल्टेंट का जो फीस है, बस वही आप उसको पे कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि पैसा को कॉलेज में जा करके ही खुद जमा करने के लिए। हालांकि MBBS जो अब आप इंडिया में एडमिशन के लिए बात करते हैं, तो आपको तो सबसे पहले एंट्रेंस पास करना होता है, नीट का एग्जाम देना होता है। जब आपका स्कोरिंग मार्क आता है तब जा करके ही वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और वही बात की जाए अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए, जबकि आपका नंबर अच्छा नहीं है, तो उस दौरान आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको सोर्स वे भी लगाना पड़ता है, आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। वही अगर आप अब्रॉड के लिए बात कर रहे हैं, तो अब्रॉड में एडमिशन लेने में उतना कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी उतना टेंशन नहीं है कि आप अब्रॉड किस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। आप एजेंट, स्टूडेंट और कंसल्टेंट के थ्रू आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर थर्ड मेरा पॉइंट है कि डोनेशन के बारे में। तो वही अगर बात की जाए इंडिया के मेडिकल कॉलेज के बारे में, अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो अप्रॉक्स आपको 50 लाख से लेकर 80 लाख के आसपास आपको डोनेशन देना पड़ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका स्कोरिंग कितना है, आप किस कोटा से जा रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं या आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। आपका सोर्स पे भी अच्छा है तो डोनेशन कम हो सकता है, अगर नहीं है तो डोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप एक्स्ट्रा डोनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना स्टार्ट कर देते हैं। वही अगर मेडिकल कॉलेज, अगर अब्रॉड के बारे में बात किया जाए, तो अब्रॉड में कोई भी डोनेशन नहीं लगता है, रियली में नहीं लगता है डोनेशन। आपका जो भी खर्च है वो सिर्फ आपका जो 5 से 6 साल का ड्यूरेशन है, वही आपका टोटल खर्च लगता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी डोनेशन नहीं लगता है। वो आप यहाँ पे कम फीस में पूरा अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टडी पूरा कर सकते हैं, आपको बिना डोनेशन का आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आपका डोनेशन का टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे बचने वाला है। तो ये आपको एक बेनिफिट्स है, आप इंडिया ना करके अब्रॉड में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ पे अपना पढ़ाई को आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं, तो आपका डोनेशन यहाँ पे सेफली बच रहा है पैसा आपका। फोर्थ मेरा पॉइंट है कि एग्जाम के बारे में, कि जो अभी नेक्स्ट लागू होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, अगर आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या आप अब्रॉड से कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपको जब फाइनल ईयर जब आप पास कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया में जाने के बाद या इंडिया में रहने के बाद भी आपको एग्जाम वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट एग्जाम है। वो चाहे 2 फेज में हो या 3 फेज में हो, अभी उतना डिटेल इसका नहीं आया है, अभी कंफर्म नहीं है, डेट फर्दर आगे बढ़ भी सकता है। जस्ट मेरा मेन मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या आप अब्रॉड से कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम देना है। तो जब आपको एग्जाम दोनों जगह से देना ही है, तो क्यों ना आप अब्रॉड से करें, क्यों आप इंडिया से इतने सारे पैसे खर्च करें। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट है, अब्रॉड आने की फिर जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन इनकेस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्यों आप उतना 1 करोड़ के आसपास अपने बजट को इंक्रीज कीजिएगा, उतना आप खर्च कीजिएगा, और फिर यहाँ पे आकर के आप सस्ता में अपने MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। वही डिग्री होगा आपके पास, वही वैल्यूएशन होगा, हर चीज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बताते हैं कि डिफरेंस है या वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है, तो ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं या फर्जीवाती बातें कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली यहाँ से भी स्टूडेंट जो आते हैं स्टडी करके जाते हैं, वो भी MCI क्लियर करते हैं, वो भी आसानी से डॉक्टर बन पाते हैं और उतना नॉलेजेबल डॉक्टर हो पाते हैं कि वो भी आराम से अपना जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज़ वो नॉर्मल ही करते हैं, जो कि इंडिया में जो स्टूडेंट या डॉक्टर्स जो अप्रॉक्स करते हैं उतना ही के बराबर वैल्यूएबल होता है उनका भी। फिफ्थ मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे एग्जाम के बारे में। तो इंडिया के अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, तो सेमेस्टर में आपको बैक भी होने का चांसेस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वाइवा और रिटर्न जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे बहुत ही, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही टफ एग्जाम होता है, और उसमें मोस्टली स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। लेकिन उतना सेमेस्टर बैक नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे चांसेस होते हैं आपको सेमेस्टर बैक होने के लिए। वही अगर आप मैं अब्रॉड के बारे में बात करूँ, तो अब्रॉड में कोई भी टेंशन ऐसा नहीं है कि कठिन यहाँ पे पेपर होता हो। जनरली मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम आसानी से पास कर लेते हैं, और एग्जाम भी एक नॉर्मल तरह से ही लिया जाता है। जितना आपको एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा, जितना पढ़ाई रहेगा, उस हिसाब से ही आपको एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम आपका बहुत ज्यादा टफ लिया जाता होगा या आपको जानबूझ के फेल किया जाता होगा या सेमेस्टर बैक किया जाता होगा पैसा कमाने के चक्कर में, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे एग्जाम नॉर्मल होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि सेमेस्टर बैक के बारे में। तो मोस्टली स्टूडेंट जब एमबीबीएस से अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये जरूर आता है कि क्या वहाँ पे सेमेस्टर बैक या ईयर बैक होता है या नहीं होता है। तो देखिए, हर कॉलेज में सेमेस्टर बैक और ईयर बैक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। चाहे वो इंडिया से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे अब्रॉड से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको तो सेमेस्टर और ईयर बैक का टेंशन हर जगह मिलेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ये अनुमान है कि मेरा जहाँ तक ये कहना है कि एमबीबीएस में अगर आप आ रहे हैं और अच्छे से आप अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सेमेस्टर बैक क्यों होगा? आप जितना कॉलेज है मेडिकल में, वहां पे सेमेस्टर बैक का सिस्टम नहीं है। अगर है भी तो बहुत रेयर केस में है, बहुत कम स्टूडेंट का ही सेमेस्टर बैक होता है। हालांकि यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न है, वो आपको तीन चांस मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पास कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद दो अटेम्प्ट और मिलेगा। तो मोस्टली 90-95% स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लेते हैं। जो बचते हैं 5-10% वो स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में वो आसानी से पास कर लेते हो। तो बहुत रेयर केस में 1-2 ही स्टूडेंट हैं पूरे ईयर में जो कि उनको सेमेस्टर बैक या आपको एग्जाम बैक होता भी है। और रहा सवाल सेमेस्टर बैक, तो मैं अभी तक बहुत कम स्टूडेंट देखा हूँ जो कि सेमेस्टर बैक जिनको किया गया, वही बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉसेज हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा कारण हैं। मोस्टली जब तीन आपको पैटर्न मिलता है और वहाँ पे एग्जाम आप नहीं पास हो पाते हैं, तो पर्टिकुलर आपको उस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्रेडिट पे करना पड़ता है अब्रॉड में। अगर उस सब्जेक्ट के लिए आप क्रेडिट पे कर लेते हैं, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो आपका आगे प्रमोट हो जाता है, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वो आपको फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर वो एग्जाम पास कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर फेल हो जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट का आप फिर से क्रेडिट वाला पैसा पे करके फिर से एग्जाम दीजिएगा। नहीं कि आपका समय यहाँ बर्बाद होगा, नहीं कि आपका पूरा सेमेस्टर आपका यहाँ बर्बाद होगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका री एग्जाम है, जो आप जिस एग्जाम में आप पास हुए हैं, वो एग्जाम आप आसानी से दे करके फिर आगे अपना फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कि सेमेस्टर बैक और ना ही कि आपको ज़्यादा डोनेशन की बात है, नहीं आपको यहाँ पे सेमेस्टर और एग्जाम में फेल होने के कोई टेंशन है, नहीं कोई दिक्कत है। जबकि इंडिया के कॉलेज में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में है कि ये सेमेस्टर बैक और ईयर बैक और आपको पेपर बैक करने का भी बहुत सारा स्कीम चलाते हैं, और वहाँ पे करते भी हैं, क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेज और वहाँ पैसा कमाना तो पड़ेगा ही। अगर एक साल का उनका जो फीस है वो आपका 8-10 लाख है, अगर सोचिए कि क्लासेस में पूरा जो एक साल के स्टूडेंट के जो लिस्ट है उनमें से अगर 10 का भी कर देंगे, तो 8 दिन का 80 लाख तो वैसे ही वो कमा लेंगे। तो ऐसे उनके नए नए तरीके और स्कीम निकलते रहते हैं, जिसके वजह से वो अपने दिमाग लगा करके एक्स्ट्रा स्टूडेंट पर बोझ डालते रहते हैं। जबकि अब्रॉड में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी आपको फ्रॉडबाजी टाइप का नहीं है, नहीं कि आपका एग्जाम बैक हो जाए, सेमेस्टर बैक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पैनिक होने का टेंशन नहीं है आपको। मेरा इस वीडियो में मेन मकसद बताने का ये था कि चाहे आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिग्री भी सेम है, एजुकेशन भी सेम है, आपको स्टडी भी सेम करना है, सब्जेक्ट्स भी उतना ही पढ़ना है। जो आपका डिग्री का वैल्यूएशन है वो भी सेम है, बस डिफरेंस यही है कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं तो वही आपका 1 करोड़ का पैकेज आएगा, वही आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं तो वही आपका 15-20 लाख या 30 लाख, जितना भी आप कॉलेज को जिस कॉलेज को चूज कर रहे हैं उतना में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। तो क्यों ना आप एमबीबीएस अब्रॉड से करें, क्यों आप इंडिया में इतना पैसा खर्च करें? अगर आपका अच्छा नंबर आ जाता है नेक्स्ट में, तो आप गवर्नमेंट आसानी से कीजिए। लेकिन अगर आपका नंबर नहीं आता है, तो प्राइवेट कॉलेज में मत जाइए। क्यों जा रहे हैं जब सेम सब कुछ आपको अब्रॉड में मिल रहा है, सेम हर चीज मिल रहा है, तो आपको यहाँ से अब्रॉड से करना चाहिए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी जानकारी, एडमिशन लेना चाहते हैं किर्गिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो फिर वीडियो पर बने रहिए, और ऐसे ही नए नए कॉन्टैक्ट पर आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।